नोट, सबूत के लिए तमाम वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। शहर मालेगांव सियासी तौर से एक बेदार इलाका है। यहाँ के शहरियान बहुत सोच समझ कर अपना सियासी फैसला करते हैं और यही इस शहर की इनफरादियत है। गुज़श्ता कई दिनों से मालेगांव समेत पूरे महाराष्ट्र में पावरलूम सनात की बका के लिए सियासी सतह पर मुख्तलिफ सियासी जमात की जानिब से आवाज़ें उठती रही हैं। इसी आवाज़ को संजीदगी से लेते हुए हुकूमत ने महाराष्ट्र ने पावरलूम में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दामों में सब्सिडी देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस ऐलान के बाद मालेगांव शहर के सियासी लीडरान में क्रेडिट की एक दौड़ शुरू हुई। क्रेडिट की इस दौड़ में सबकत ले जाने के लिए शहर के कुछ लोगों ने मुशावरा चौक पर पटाखाबाजी करते हुए शहरियान को ये बताने की कोशिश की कि हुकूमत की जानिब से मिली सब्सिडी हासिल करने में मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मेहनत रही है। मुफ्ती मोहतरम के चाहने वालों ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि बरोज़ जुमा 5 जुलाई 2024 को अल्लामा इकबाल पुल पर अपने चहेते एमएलए का इस्तकबाल करने का ऐलान इस बुनियाद पर कर दिया कि मुफ्ती मोहतरम की कोशिशों से ही पावरलूम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रद्द और सब्सिडी की बहाली का ऐलान किया गया है। हमें किसी के क्रेडिट लेने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब पड़ा वक्त तो गुलशन पे तो खूँ हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। नाजरीन, हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से पावरलूम सनात की बका के लिए मिलने वाली सहूलियात के हसूल में अगर मुकामी समाजवादी पार्टी के मुकामी लीडरान शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी का तस्करा ना किया जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। पावरलूम के मसाइल के हल के लिए साथी मुस्तकीम डिग्निटी ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा नहीं किया, बल्कि रोज़ अव्वल से ही ज़मीनी सतह पर बाग दौड़ शुरू कर दी थी। मुस्तकीम डिग्निटी पावरलूम के मसाइल जानने के लिए मालेगांव धुलिया यावला के कारखानों का दौरा किया, मज़दूरों से मुलाकात की, बुनकरों से मुलाकात की, उनके मसाइल जाने, टेक्सटाइल वालों से मिले, मार्केट के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। पावरलूम से मुतालिक तमाम मसाइल जान लेने के बाद मालेगांव व एतराफ़ के पावरलूम मराकिस के बुनकरों के लिए 3 जनवरी 2024 को बुनकर लाउंज में एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस बनाम पावरलूम परिषद के इनेकाद का ऐलान किया। इस कॉन्फ्रेंस में धुलिया यावला के अलावा शहर मालेगांव के बुनकर हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें अलहाज इसहाक सेठ जरीवाला, ज़िया हकीम, खलीलुर्रहमान नावेल्टी, फरजंद शेख रसीद कपड़े वाले, खुर्शीद काबुल, ब्लू बर्ड के नुमाइंदे खलील अब्बास, एडवोकेट अब्दुल अजीम खान के अलावा शहर अजीज़ की बहुत सारी सनती शख्सियात मौजूद थीं, जिसका अहाता यहाँ नामुमकिन है। पावरलूम परिषद में मौजूद इन शख्सियात को देखकर आप इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शहर की पावरलूम सनात की बका का इनसार था। इस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार की जानिब से पावरलूम स्टडी ग्रुप के मुंतखब करदा नुमाइंदे भिवंडी शहर समाजवादी के एमएलए रईस शेख बतौर गाइडेंस शरीक हुए। प्रताप होगाड़े जी ने भी बुनकरों की रहनुमाई की। इस कॉन्फ्रेंस में मालेगांव शहर के बुनकर हजरात ने रईस शेख के सामने पावरलूम सनात से मुतालिक मसाइल को तफसील से रखा। तमाम मसाइल को समाजवादी एमएलए ने बगौर सुना और पूरी स्टडी करके बुनकरों के तमाम मसाइल, गुजारिशात और मुतालबात को हुकूमत महाराष्ट्र के सामने पूरी ताकत के साथ मुदल्लल और मुफस्सल अंदाज में रखने की यकीन दहानी करवाई। और आप सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह सरकारों को झुकाने का काम हम लोग साथ मिलकर करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तनवीद नहीं चाहता। आप लोग डिसाइड करें, अगर आपके मशवरे आपको देने हैं। मुझे जो मालूमात है, प्रताप भूगाड़ी साहब हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है बेशतर तो मशवरे आने वाले हैं। मुख्तसर बात यह है कि असेंबली में एक लक्ष्य भी हमने लगाई और हमने महाराष्ट्र के बुनकरों को बताया कि असेंबली का इस्तेमाल भी मसाइल हल करने के लिए किया जा सकता है। उस लक्ष्य का असर हुआ और
ये कमेटी बनी है जिसको पावर लूम स्टडी कमेटी कहते हैं, और मेरी मालूमात में यह है कि पहली बार पावर लूम के लिए एक स्टडी ग्रुप बना है। मैं आपसे सीखने आया हूँ, समझने आया हूँ। मैंने वहाँ भी MIDC में कहा कि मैं आपका वकील हूँ, आपके मसाइल समझ कर असेंबली में रखना मेरा काम है। और मैंने वहाँ भी वादा किया, यहाँ भी वादा कर रहा हूँ, मैं मेरी टीम मुस्तकीम भाई शान हिंद हम सब इंशाल्लाह ईमानदारी से आपकी बात को रखेंगे और आपके मसाइल को लड़ेंगे। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। फॉर्मेट इन्होंने ऐसा रखा है कि हम पहले आपकी बात सुने। आपकी बात सुनना जरूरी है और सरकार को सुनाना जरूरी है। तो आप लोग शुरू करें, जो लोग अपने मशवरे देना चाहते हैं, मसाइल बताना चाहते हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, प्रताप साहब भी लिख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हर मशवरे को अमानत समझ के हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे। अभी शुरू करते हैं। मालेगांव शहर के बुनकरों के जरिए पेश किए गए मसाइल की गठरी को समाजवादी MLA रईस शेख अपने साथ भिवंडी ले गए, जहां उन्होंने इन मसाइल की भरपूर स्टडी की और पूरी ताकत के साथ मुदल्लल और मुफस्सल अंदाज में ऐवान असेंबली में हुकूमत के सामने पेश की। ये जल्द से जल्द, यानी आप अभी आज बताएंगे कि कितने दिनों में आप ये सब्सिडी शुरू करने वाले हैं। दूसरा, 15 मार्च 2024 को आपने जो है परिपत्रक निकाला था। मैंने आज माहिती ली है कि ये जो नई सब्सिडी आप देने वाले हमारे लक्ष्यवेदी के बाद, उसका पर मंथ टोटल आ रहा है 13.5 करोड़। यानी भिवंडी शहर को आप हमारे 21,100 कंज्यूमर को पर मंथ 13.5 करोड़ देने वाले हैं और साल का 160 करोड़ देने वाले हैं। ये जो हमारा नुकसान होगा, अगर हमको आप सब्सिडी जुलाई या अगस्त से लगाओगे तो हमको हर मंथ का नुकसान होगा। ये पावर हम महंगा खरीद रहे, इसलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है। सब्सिडी आप और बढ़ा दोगे, लेकिन जब तक टोरेंट पावर खत्म नहीं होगा। दादा, मैं सैंपल लाया था, लेकिन मैं यहां तमाशा नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ वो सैंपल दूंगा, आप उसकी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि पावर लूम कॉर्पोरेशन ने उसके निकष बनाए थे, उसके स्पेसिफिकेशन बनाए थे। आज चीफ मिनिस्टर के हाथ में यूनिफॉर्म दिया, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म दिखाया गया। दादा, वो कपड़ा पूरा गुजरात से आया, सिर्फ बिलिंग इच्चल करंजी में हुई। दादा, हम लोगों को अगर 140 करोड़ का काम मिलता भिवंडी के पावर लूम में, मालेगांव के पावर लूम में, शोलापुर में, नागपुर में, वो कपड़ा बनते हुए दिखता। महाराष्ट्र में कहां बना वो कपड़ा दादा? रोज अव्वल से ही शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी की अंतक मेहनत, मालेगांव के बुनकरों के हौसले, समाजवादी पार्टी के MLA रईस शेख की जबरदस्त नुमाइंदगी के सबब वो दिन भी आया जब 2 जुलाई 2024 को ऐवान असेंबली में महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने पावरलूम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को रद्द करने का ऐलान किया और बिजली सब्सिडी बहाल करने का यकीन दिलाया। जे आपण 1 रुपया आणि 75 पैसे जे केलेलं आहे ते वीज बिलाचं, ते आजच मी फोन केला होता आणि ते ऑनलाईन वगैरे प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि ताबडतोब त्यांना त्याचा बेनिफिट झाला पाहिजे। शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी, रईस शेख के इन तमाम काविशात और कुर्बानियों के बाद अहल्यान शहर को ये फैसला करना होगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में शहर की नुमाइंदगी किसके हाथ में सुपुर्द करना है। आपका फैसला आपकी सनात की हिफाजत की जमानत होगा।